बिहार में इस साल चुनाव होने हैं, इसलिए पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाकर जनता के वोटों को अपने पक्ष में करने की पुरजोर कोशिश कर रही है। यही वजह है कि राज्य की दो मुख्य पार्टियां जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए निशाना साध रही है। नए साल के मौके पर जदयू ने राजद के 15 सालों पर निशाना साधते हुए हिसाब दो हिसाब लो का पोस्टर लगाया था, जिसके बाद राजद ने पोस्टर जारी किया है जिसमें लिखा है कि झूठ की टोकरी, घोटालों का धंधा। राजद प्रदेश कार्यालय के बाहर लगाए गए इस पोस्टर में केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि खास बात यह है कि राजद के जवाबी पोस्टर किसी नेता कार्यकर्ता का नहीं बल्कि पार्टी का अधिकृत पोस्टर है। इसे नीति आयोग की ओर से प्रमाणित होने का दावा भी किया गया है। राजद ने अपने पोस्टर में राज्य के साथ ही केंद्र सरकार को भी आड़े हाथ लिया है। देश में महंगाई होने का दावा करते हुए पार्टी द्वारा राफेल खरीद को लेकर सवाल उठाने की अलावा नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या के देश छोड़कर भागने पर तंज कसा है। पोस्टर में केंद्र सरकार पर सूखा शराब माफिया और घूसखोरी के आरोप लगाए गए हैं। केंद्र सरकार को जुमलों की टोकरी बताई गई है। इसके अलावा पोस्टर के एक हिस्से में बिहार सरकार पर सृजन घोटाले को लेकर हमला किया गया है। राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा गया है। राजद का कहना है कि राज्य में हत्या, दुष्कर्म, लूट, महंगाई बढ़ी है, रोजी रोजगार, छात्रवृत्ति, हर घर नल का जल आदि को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने लालू राबड़ी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि यदि 1990 से 2005 के बिहार का वास्तविक पोस्टर बनाया जाए तो वह इतना भयावह होगा कि नई पीढ़ी कांप जाएगी। जो लोग सच देखने को साहस रखते हो उन्हें बिहार के हालत पर बनी दो फिल्में गंगा जल और अपहरण यूट्यूब से डाउनलोड कर अवश्य देखनी चाहिए। ये दोनों फिल्में भाजपा ने नहीं बनाई थी। दूसरे ट्विटर में उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी शासित बिहार के बारे में जो पोस्टर लगाए गए हैं उनमें ना तो कुछ नया है और ना कोई गलत बयानी की गई है। पोस्टर में डेढ़ दशक के अंधेरे दौर की कुछ ऐसी बातों की याद दिलाई गई है जिनके कठोर सच्चाई लोगों ने भोगी है। लालू प्रसाद बताए कि उनके समय लाखों लोगों को पलायन क्यों करना पड़ा था। आरजेडी को घोटाले के बारे में कोई बोलने का नैतिक अधिकार क्या है? क्या जो पूरी आरजेडी की सरकार 15 साल में बिहार को जिस प्रकार तहस नहस कर दिया और जिससे गठबंधन, जिस कांग्रेस से उसने गठबंधन किया है, ये तो घोटाले की नानी अपने है। तो कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को घपले घोटाले के बारे में कोई अधिकार बोलने का नहीं है। ये लोग अपने घपले घोटाले से लोगों का ध्यान बांटने के लिए इस प्रकार का उपक्रम करते हैं। कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। जनता ने 15 साल के कुशासन को देखा है और फिर से एक बार 2020 के चुनाव में जनता उनको सबक सिखाई कि ये लोग तो, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आरजेडी के लोग पढ़ते लिखते भी है कि नहीं लिखते, इस प्रकार की बात करते हैं, बचकानी बात करते हैं। इसका लीडरशिप भी बचकाना हो, बचकानी बात करता है, हम तो उसको कोई तवज्जो नहीं देते। देखिए, पोस्टल वार तो उन्होंने ही शुरू किया, गलत काम का शुरुआत उन्होंने किया जिसका जवाब हमारे दल के लोगों ने दिया है। अब वो जवाब जनता चाह रही है, बिहार की जनता और देश की जनता चाहती है कि इन लोगों ने जो वादे किए थे क्या वो वादे पूरे हो गए? क्या इन्होंने सुशासन का नारा दे दिया? क्या सुशासन है बिहार में? रोज बलात्कार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, रोज हत्या, लूट, अपहरण हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा, गंगोत्री बह रही है भ्रष्टाचार का, और पुलिस की पिटाई, सरकार में पुलिस की पिटाई हो रही है, और पटना में जहां सरकार है नाक के नीचे पुलिस की पिटाई हो रही है, और जदयू के नेता ये सब जितना भी गुंडई है, हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार उनके लोग कर रहे हैं, उनके बचाव में लगे हुए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हत्यारे हैं उसको एक अन्य मार्ग में अब रखने का काम कर। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।